नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। आमला, बीते दिनों मध्य प्रदेश सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर द्वारा डोंगरगांव में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन को देशद्रोही संगठन बताया गया। मंत्री उषा ठाकुर के इस बयान को लेकर क्षेत्र के आदिवासी संगठनों में नाराजगी है और आदिवासी संगठन उषा ठाकुर पर अनुजाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत FIR करने की मांग कर रहे हैं। आज मंगलवार आदिवासी संगठनों ने आमला थाने में पहुंचकर नगर निरीक्षक सुनील लाटा को एक शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें मंत्री उषा ठाकुर पर एट्रोसिटी एक्ट तथा विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई। शिकायत पत्र सौंपने पहुंचे जनपद सदस्य राजेश वट्टी झामू धुर्वे ने बताया कि जयस संगठन ग्रामीण अंचल में गरीब आदिवासियों उनके संवैधानिक हक एवं अधिकार दिलाने के लिए काम कर रहा है। कैबिनेट मंत्री ने अपने बयान में जयस को देशद्रोही संगठन बताकर आदिवासी समुदाय का अपमान किया है। इससे आदिवासी समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। आदिवासी संगठनों का साथ देने कांग्रेस के जितेंद्र शर्मा भी पहुंचे। जितेंद्र शर्मा ने भी मांग की है कि आपत्तिजनक बयान देकर मंत्री जी ने आदिवासी समुदाय का अपमान किया है, इनका तुरंत मंत्रिमंडल से त्यागपत्र लिया जाना चाहिए। वहीं आदिवासी संगठनों ने भी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उन्हें तुरंत पद से हटाए जाने की मांग की है। मामला पंजीबद्ध ना होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सुनेर उइके, पिल्ली महाजन, सखाराम संतराम उइके, राकेश उइके, नितेश उइके आदि उपस्थित रहे। माफी मांगे आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 मंत्री जी माफी मांगे माफी मांगे। खबर समय जगत के लिए आमला से जिला प्रतिनिधि हरि प्रसाद गोही की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.